अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आप चाहते हो कि आप आसान काम परफॉर्म करो, उससे आप अर्निंग भी करो, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करेंगे, एड्स देखेंगे, उससे हम अर्निंग करेंगे और अर्निंग भी अच्छी खासी करेंगे। लेकिन जो हम अर्निंग करेंगे वो हमने विड्रॉ नहीं लेना। क्यों नहीं लेना वो मैं आपको बताता हूँ। हम उसी अर्निंग को यूज़ करते हुए एक और मेथड में उसे यूटिलाइज करेंगे और उससे हम अपनी अर्निंग इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इस काम से विड्रॉ लेते हैं हमारी अर्निंग कम होगी। अगर नेक्स्ट जो मैं आपको मेथड इसी अर्निंग को यूटिलाइज करने वाला बताऊंगा, अगर हम वो मेथड फॉलो करेंगे तो हम इससे मंथली 60 to 70,000 बासानी अर्न कर सकते हैं। तो ये सारा काम कैसे होगा, मेथड को कंप्लीट सीखने के लिए आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करना है, चीज़ों को समझना है, उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट करना है। ये काम आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप की स्क्रीन पर। मज़े की चीज़ है, इस काम को करने के लिए आपको किसी भी किस्म की क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही आपने किसी भी किस्म की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। जस्ट आपकी चाहिए तो अटेंशन चाहिए जो आपने मुझे देनी है, चीज़ों को समझना है, उसके बाद इम्प्लीमेंट करना है और इससे हम अच्छी खासी अर्निंग करेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। उससे पहले आपको बताता चलूं, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफा, आप देख रहे हैं जीएम अर्निंग ट्रिक्स यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड रियल मेथड, रियल स्किल सिखाए जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं रियल मेथड सीखने में, रियल स्किल सीखना चाहते हैं, तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा उन तमाम लोगों के साथ जो रियल ऑनलाइन स्किल सीखना चाहते हैं, मेथड सीखना चाहते हैं और खुद को ग्रो करना चाहते हैं। तो जल्दी लैपटॉप की स्क्रीन पर सीखते हैं आज का काम। लेट्स गो टू द लैपटॉप स्क्रीन। ओके, तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल क्रोम पर आकर आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पर लिखना है bithub.win, ठीक हो गया। ये देखें स्पेलिंग आप नोट कर लें, bithub.win, ठीक हो गया। और इस तरह की इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ये वाली वेबसाइट पहले ही नंबर पर bithub अर्न रेवेन्यू लिमिटलेस, ठीक हो गया। ये वाली वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। ये देखिए वेबसाइट मेरे पास ओपन हो चुकी है bithub.win के नेम से, अर्न रेवेन्यू विद इन्फिनिटी नेटवर्क, ठीक हो गया। यहाँ पर डिफरेंट वे से हम अर्निंग करेंगे, लेकिन काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी अथेंटिसिटी चेक करवाता चलूँ। उसके लिए हम जाएंगे ट्रस्ट पायलट पर। ट्रस्ट पायलट पर जैसे ही मैंने साइट को डाला है तो ये देखें यहाँ पर अमेजिंग इसके रिव्यूज हैं, 4.8 की रेटिंग आपको नजर आएगी। रेटिंग के साथ ही अगर आप रिव्यूज़ को देखें तो ये देखें 2556 रिव्यूज़ हैं, और इतने ज़्यादा रिव्यूज़ के बाद ये रेटिंग मीन्स के वेबसाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है और हमें इस पर काम करना चाहिए। ये देखें आपको पॉजिटिव रिव्यूज़ ही यहाँ पर सारे के सारे नज़र आएंगे। नेक्स्ट अगर मजीद अथेंटिसिटी इसकी चेक करें तो उसके लिए हम आएंगे सिमिलर वेब पर। ये देखें हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो ये देखें 579.5 के लोग हैं जो कि मंथली इस वेबसाइट पर आते हैं, काम करते हैं, यानी कि 5,79,500 लोग मंथली इस वेबसाइट पर आ रहे हैं और काम करें, मीन की अच्छी खासी ट्रैफिक है इस वेबसाइट पर। तो ऑथेंटिसिटी तो हमने चेक कर ली, अब हम बढ़ते हैं काम की तरफ। काम कैसे करना है उसके लिए ये देखें हमारे पास यहाँ गेट स्टार्टेड पे आपने क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आ रही हैं, या तो आप पहले से अगर अकाउंट बनाए तो आप लॉगिन कर सकते हैं, वरना आपने यहाँ पर साइन अप करना है। उसके लिए हमने क्या करना है ये देखें, डोंट हैव एन अकाउंट, आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है, उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है, नीचे आपने रिपीट पासवर्ड करना है और ये कैप्चा फिल कर देना है। हम जल्दी से यहाँ पर पासवर्ड लिख लेते हैं, ये देखिए मैं आपके सामने लाइव लिख कर दिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर चीज़ों की समझ आ जाए। नीचे हम रिपीट पासवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है ये देखिए रीकैप्चा। अब आपको यहाँ पर टेंशन होगी, रीकैप्चा थोड़ा अजीब सा है, हमने कैसे फिलअप करना है, मैं आपकी ये प्रॉब्लम अभी से सॉल्व कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट द इमेज डिस्प्ले द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम्स, यानी वो इमेज आपने सेलेक्ट करनी है जो सबसे कम टाइम यहाँ पर आई हो। तो ये देखिए ये इमेज है, जस्ट एक दफा यहाँ पर आई है, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद हम नीचे चलेंगे, नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रही है साइन अप की, आपने इस पे क्लिक कर देना है। ओके, तो हमारा साइन अप यहाँ पर हो चुका है, ये देखें इस तरह का इंटरफेस मेरे पास ओपन हो चुका है। ये देखें आपको डैशबोर्ड भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, तो हम पासवर्ड को सेव कर लेते हैं। ओके, तो अब हमने यहाँ पर अर्निंग कैसे करनी है उसके लिए डिफरेंट वेज हैं, जो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। ये देखें यहाँ पर आपका बैलेंस शो होगा, जो कि हमने न्यू अकाउंट बनाया इस टाइम जीरो है, उसके बाद टोटल रेफरल है वो भी जीरो है, एनर्जी है वो भी जीरो है। हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने क्वींस को अर्न करना है, लेकिन वो क्वींस हम विड्रॉ नहीं करवाएंगे, हम उनको फर्दर यूटिलाइज करेंगे, अपनी अर्निंग को इंक्रीज करेंगे। कैसे करना है सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान से आपने समझना है। उससे पहले हमने क्या करना है, हम अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई कैसे करना है, हमारी जीमेल पर एक मेल भेजी गई है, उस पर हम जाएंगे और वहां से अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे।
ओके तो ये देखिए मैं अपनी ईमेल पर आ चुका हूँ, यहाँ पर बेटा हब की ईमेल अवेलेबल है। ये देखिए वेरीफाई योर बेटा हब अकाउंट, वेरीफाई अकाउंट पे मैं क्लिक करूंगा और इस तरह मेरा अकाउंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। ओके तो मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, अब हम यहाँ पर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके तो अब हमने अर्निंग यहाँ पर कैसे करनी है, उसके लिए ये देखिए आपको यहाँ पर अर्निंग का अर्न का सेक्शन नजर आ रहा है। अर्न का सेक्शन के नीचे आप देखेंगे फोसेट की ऑप्शन है, पीटीसी की है, रीड आर्टिकल की है। सबसे पहले हम फोसेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, फोसेट पेज, ठीक हो गया। उसके बाद ये देखें यहाँ पर आपको, आप यहाँ पर 1000 to 5000 तक कॉइन्स अर्न कर सकते हो। कैसे करने हैं मैं आपको डिटेल से करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर आपको एक कैप्चा नजर आ रहा है, कैप्चा को आपने फिलअप कैसे करना है। यहाँ पर हमने कैप्चा फिलअप करना है, ये देखें सिलेक्ट द इमेज डिस्प्लेड द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम्स, वो इमेज हमने सेलेक्ट करनी है जो कम से कम टाइम आई हो, ये वाली आई है, हम इसी पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे हम आएंगे, ये देखें कलेक्ट योर रिवार्ड, आपने इस पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह क्या होगा, आपका एक टाइमर चलेगा और उसके बाद आपकी अर्निंग, ये देखें यहाँ आपके सामने एक टाइमर चल पड़ा है। आप एक और चीज मजे की आपको बताता चलूं, ये देखें जो आप कॉइन्स अब यहाँ से अर्न कर चुके हो, 5 मिनट के बाद अगेन आप यहीं पर क्लिक करोगे और अगेन आप यहां से कॉइन्स अर्न कर सकते हो। ये देखिए मेरा टाइमर चल चुका है और ये देखिए मेरी 2440 कॉइन्स यहां से मैंने अर्न कर ली हैं कैप्चा को फिल करके, ठीक हो गया। इसी तरह हम फर्दर मूव करते हैं, जब तक ये 5 मिनट कंप्लीट होते हैं हम नेक्स्ट टास्क को देख लेते हैं, नेक्स्ट हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। एक तो ये भी हो गया कि हमने रिकैप्चा को फिलअप करना है और उससे हम अर्निंग कर सकते हैं, कॉइन्स हम अर्न कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर ये देखें मेरे पास यहाँ पर पीटीसी की ऑप्शन नजर आ रही है, मैं पीटीसी पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी यहाँ पर हमने एड्स देखनी है और एड से हमें अर्निंग होगी। ये देखें इस टाइम 1885 एड्स आपके पास अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हो, और ये देखें इतना रिवार्ड, इतने क्वींस आप अर्न कर सकते हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये देखें नीचे आपको बेशुमार एड्स नजर आ रही हैं जो आप देख सकते हैं, डेली की एड्स आप देख सकते हैं और यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। एड देखना बहुत ज़्यादा आसान है, जस्ट आपने क्या करना है, ये देखें ये 7 सेकंड की एड है और 300 क्वीन आप इससे अर्न करोगे। जस्ट आपने विजिट नाउ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखें आपके सामने ये एड चलनी स्टार्ट हो चुकी है, ये देखें 5 4 3 2 1 और उसके बाद 0, ठीक हो गया। उसके बाद एक रिकैप्चा आ जाएगा, आपने इसे फिलअप करना है। ये देखें सिलेक्ट द इमेज डिस्प्लेड द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम्स, ठीक हो गया। यहाँ पर कौन सी इमेज जो आप कम सबसे कम टाइम आई है वो ये वाली है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ओके जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक करूंगा अब जो हमने कॉइन्स अर्न किए हैं वो हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए जाएंगे। ये देखें गुड जॉब, 300 कॉइन्स हैज बीन एडेड टू योर बैलेंस, ठीक हो गया। इस तरह आप डेली की 1886 अवेलेबल एड्स देख सकते हो और उससे आप अर्निंग कर सकते हो। ये सेकंड मेथड अर्निंग का, ठीक हो गया। दो मेथड हो चुके हैं, पहले हमने रिकैप्चा को फिलअप किया और उससे कॉइन्स अर्न किए, सेकंड नंबर पर हमने एड्स देखनी है उससे हमने अर्निंग करनी है। और एड्स भी आपको देखें बेशुमार एड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं जो डेली आप देख सकते हो, और मैक्सिमम एड कितनी है, 5 सेकंड की, 7 सेकंड की, इससे ज़्यादा नहीं है, ये हमने देखनी है और उससे हमने अर्निंग करनी है। और थर्ड नंबर पर ये देखें थर्ड ऑप्शन आपको नजर आ रही है रीड आर्टिकल्स की, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखें इस टाइम आपके पास 10 अवेलेबल एड्स, यानी कि 10 आर्टिकल आपके पास अवेलेबल हैं जिनको आप रीड करके यहां से अर्निंग करने वाले हो। अर्निंग कितनी कर सकते हो आप यहां पर, ये देखें आप 20,000 to 60,000 यहां पर कॉइन्स अर्न कर सकते हो, ठीक हो गया। ये देखें हम नीचे आते हैं तो ये वाले मेरे पास सारे के सारे आर्टिकल अवेलेबल हैं जिनको मैंने यहाँ पर रीड करना है और इससे हम अर्निंग कर सकते हैं। पर आर्टिकल 75 सेकंड का होगा और ये देखें आप इसे 2000 to 6000 पर आर्टिकल यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। ये आपने कैसे रीड करने हैं मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें फॉर एग्जांपल मैं इसी आर्टिकल पे क्लिक करता हूँ, क्लिक टू रीड पे आपने क्लिक करना है तो ये देखें यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ जाएगी रिकैप्चा की, आपने यहाँ पर रिकैप्चा को फिलअप कर देना है। ये देखें ये एक टाइम आया, मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद क्लिक टू कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट मेरे पास ये देखें रीडायरेक्ट नोटिस द पेज यू आर ऑन इज ट्राइंग टू सेंड टू यू दिस से आ जाएगा, हमने इसे ओपन कर लेना है। और ये देखें ये मेरे पास आर्टिकल यहाँ पर ओपन हो चुका है, अब आप चाहें तो इसे रीड भी कर सकते हैं। ये देखें 75 सेकंड का ये आर्टिकल होगा,
आप चाहे तो इस आर्टिकल को ओपन करके यहाँ पर स्टे करें या इसे आप रीड कर लें। ऊपर देखिए आपके पास ये वाला टाइमर चल रहा है, ये टाइमर 75 सेकंड का होगा। जैसे ये टाइमर कंप्लीट होगा आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा और आप यहाँ से अर्निंग कर पाओगे। हम इतने टाइम के लिए यहाँ पर वेट भी कर सकते हैं और हम चाहें तो इसे रीड भी कर सकते हैं। जैसे टाइमर कंप्लीट होगा आपके पास रिकैप्चा आ जाएगा, आपने रिकैप्चा को फिलअप करना है। ये मेरे पास लिस्ट अमाउंट में ये वाला आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे हमारी अर्निंग जो है हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ओके, तो गुड जॉब का मैसेज आ चुका है, ये देखें, गुड जॉब 4066 कॉइंस हैज बीन एडेड टू योर बैलेंस, ठीक हो गया। हमने आर्टिकल को रीड किया और इतने कॉइंस हमने अर्न कर लिए, ठीक हो गया। अब मैं आपको एक मजे की चीज सिखाता चलूँ, ये देखें हमने तीन तरह के टास्क यहाँ पर परफॉर्म किए। पहले रिकैप्चा को फिल किया, सेकंड हमने एक ऐड देखी, जस्ट एक ऐड हमने यहाँ पर देखी और एक आर्टिकल हमने रीड किया और हमारी अर्निंग देखें 6806 क्वींस यहाँ पर हो चुके हैं। तीन मेथड तो आपने सीख लिए, नेक्स्ट एक और मेथड जो आपको बताते चलूँ वो भी बहुत अमेजिंग है, हम रेफरल से भी यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, जस्ट हमने ये देखें रेफरल पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अपना रेफरल लिंक मिल जाएगा, आपने इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और आप इससे भी अर्निंग कर सकते हो। इस तरह चार मेथड्स हैं, छोटे छोटे टास्क हैं जो हमने सीख लिए अर्निंग के। ओके, तो अब हमने यहाँ पर विड्रा नहीं लेना, विड्रा लेंगे तो हमारे क्वींस की अर्निंग हमें बहुत कम होगी। अब हमने इनको फर्दर यूटिलाइज करना है और अपनी अर्निंग को इंक्रीज करना है, वो कैसे करना है उसके लिए हम एडस्टीरिया पर जाएंगे। ये देखिए एडस्टीरिया को मैंने आपके सामने ओपन कर लिया है, आज हम एक यूनिक वे सीखने वाले हैं एडस्टीरिया पर अर्निंग का। उसके लिए हम क्या करेंगे, एडस्टीरिया को ओपन करेंगे, आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, एज आ पब्लिशर आपने यहाँ पर साइन अप कर लेना है। अगर तो आप साइन अप नहीं कर सकते, आपको नहीं करना आता, तो उसका लिंक भी मैं बायो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा, आप वो वीडियो देखकर एडस्टीरिया पर आसानी साइन अप कर लोगे, ठीक हो गया। साइन अप करने के बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने किसी भी किस्म की वेबसाइट ऐड नहीं करनी, हमने क्या करना है, हमने डायरेक्ट लिंक को यूज करना है और डायरेक्ट लिंक पर हमने ट्रैफिक लेके आनी, कौन सी ट्रैफिक लेके आनी है वो भी हमने बाहर की कंट्री से ट्रैफिक लेके आनी है ताकि हमारा सीपीएम भी हाई रहे, ठीक हो गया। उसके लिए अब हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक की ऑप्शन नजर आ रही है। अगर तो आपको डायरेक्ट लिंक जनरेट करना नहीं आता, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अकाउंट बनाने के बाद आप यहाँ डायरेक्ट लिंक्स पे आओगे, उसके बाद ये देखें क्रिएट डायरेक्ट लिंक की आपको यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रही है, आपने नॉन अडल्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ऐड पे क्लिक कर देना है। इस तरह आपकी यहाँ पर डायरेक्ट लिंक जनरेट हो जाएगा। अब हमने ये डायरेक्ट लिंक यूज करना है और इस पे हमने क्लिक्स लेने के लिए उस वेबसाइट को यूज करना है, वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने जस्ट ये देखें डायरेक्ट लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद हम वापस उसी वेबसाइट पर जाएंगे। तो ये देखें वेबसाइट पर मैं वापस आ चुका हूँ। अब हमने क्या करना है, हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नजर आ रही है क्रिएट एड्स की, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं क्रिएट एड्स पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और ये देखें जो मैंने तीन चार क्लिक्स पे कॉइन्स अर्न किए वो भी मेरे सामने आ चुके हैं। अब हमने क्या करना है, एड को कैसे यहाँ पर क्रिएट करना है, ये देखें उसके लिए आपने यहाँ पर नेम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल आप नेम कोई भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही नेम लिख देता हूँ, आपको एड लगाने का तरीका बता देता हूँ। उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है, कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। नीचे आपने यू आर एल लगाना है, अब यू आर एल आपने कौन सा लगाना है, ये वाला जो डायरेक्ट लिंक आपने जनरेट करवाया था आपने उसका यूआरएल लगाना है। वो आपने कैसे लगाना है, यहां से आपने यूआरएल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप अपनी वेबसाइट पर वापस आएंगे और यहां पर आपने उस वाले यूआरएल को पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम नीचे आएंगे, उसका आपने व्यूज कितने लेने हैं, हम क्या करने वाले, हम डायरेक्ट अर्निंग को विड्रा लेने के बजाय हम एडस्टीरिया की डायरेक्ट लिंक ऐड यहां पर चलाएंगे और उस ऐड को चलाने के बाद हम एडस्टीरिया अकाउंट में अपनी अर्निंग लेंगे, यानी डायरेक्ट लिंक पे क्लिक्स आएंगे, ऐड चलेगी, इससे अर्निंग कहां होगी, एडस्टीरिया अकाउंट में। हम यहां से विड्रा नहीं लेंगे, हम विड्रा कहां लेंगे, एडस्टीरिया में, और अर्निंग भी हम इससे ज़्यादा करने वाले हैं, ठीक हो गया। अब यहां पर आपने व्यूज की लिखनी है, क्वांटिटी के कितने व्यूज आप लेना चाह रहे हो वो आपने अपने क्वींस के हिसाब से लिख लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे वो ड्यूरेशन पूछ रहा है कि आप कितने ड्यूरेशन की ऐड चलाना चाह रहे हो, 5 सेकंड की ड्यूरेशन की अगर आप ऐड चलाना चाह रहे हो आपके पास 500 क्वींस पर व्यू लगेंगे, ठीक हो गया। ये भी आपने अपने क्वींस के हिसाब से यहाँ पर लिख देना है, ठीक हो गया। एंड पे आपने क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर ऐड चलाने का भी एक क्राइटेरिया है, उसके लिए क्या होगा कि आपके पास एटलीस्ट 50,000 क्वींस जैसे ही कंप्लीट होंगे तो आप यहां पर अपनी ऐड चला सकते हो, ऐड स्टीरियो के डायरेक्ट लिंक की ऐड यहां पर रन कर सकते हो। ये कॉइंस कंप्लीट करना कोई मुश्किल नहीं है, देखें जस्ट तीन चार क्लिक्स मैंने किए और 6800 मेरे पास अर्निंग हो चुकी है।
तो आप थोड़ी देर काम करके छोटे छोटे टास्क कंप्लीट करके यहाँ पर बासानी 50,000 अर्न कर सकते हो। और चीज जो आपने माइंड में रखनी है, हमने यहाँ से डायरेक्ट अर्निंग नहीं लेनी, हम एडस्टीरिया के डायरेक्ट लिंक को यूज करेंगे, यहाँ पर एड चलाएंगे और उससे हम अर्निंग अपने एडस्टीरिया अकाउंट में लेंगे, जो इसकी डायरेक्ट अर्निंग से कई गुना ज्यादा होने वाली है। ओके तो गाइस, उम्मीद है आज का एक यूनिक मेथड आपको मजेदार लगा होगा, धमाकेदार लगा होगा, आपने सीखा भी होगा और अब आप इंप्लीमेंट करके इससे अर्निंग भी करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अर्निंग टॉपिक के साथ, एक नए अर्निंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को थम्स अप दे दें, नीचे अच्छा सा कॉमेंट लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।